सभी अध्यापक साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार आज मैं आपके समक्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कुछ बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं और खास तौर पर भारतीय भाषाओं के संदर्भ में मैं आपसे बातचीत करूंगा। जिसकी विस्तार से चर्चा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निश्चित रूप से आप लोगों ने अनुच्छेद 22 को पढ़ा होगा जिसमें भारतीय भाषाओं के बारे में भाषा और संस्कृति के संबंध के बारे में और माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्यों प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कैसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए इस पर गंभीरता से और गहराई से गहनता से बातचीत की गई मैं आपके सामने कोई नई बात नहीं रखने जा रहा हूँ बल्कि बस अपने आप को एक शिक्षक के रूप में एक अध्यापक के रूप में मैं अपने आप को खंगालने की कोशिश कर रहा हूँ ये आत्मावलोकन है मेरे लिए भी और मेरे सभी शिक्षक साथियों की भी आपको याद होगा कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सभी भारतीय भाषाओं ने और सभी भारतीय भाषा भाषियों ने एक साथ मिलकर संघर्ष किया एक और बंकिमचंद चटर्जी रविन्द्रनाथ टैगोर फकीर मोहन सेनापति प्रेमचंद ताराशंकर बंदोपाध्याय आदि अनेक साहित्यकारों ने और जो हमारे नेता थे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले और नवजागरण के पुनर्जागरण के जो पुरोहदा थे देशर राम मोहन राय केशव चंद्र सेन सब ने भारतीय भाषाओं के उत्थान और भारतीय भाषाओं की प्रयुक्ति और प्रयोग के बारे में बात की वे जानते थे कि हमें केवल अंग्रेजी सरकार से ही हमें मुकाबला नहीं करना है अंग्रेजी साम्राज्यवाद से ही मुकाबला नहीं करना है बल्कि अंग्रेजी भाषा से भी करना है क्योंकि अंग्रेज़ों की जो नीति थी वह नीति यही थी कि हम लोगों को न केवल शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी गुलाम रखा जाए हमने एकजुट होकर ये संघर्ष लड़ा वंदे मातरम का नारा लगाया और जन हमारा हमारा गान बना ये सारा सारी बातें मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि आज़ादी के बाद लगातार इस बात का प्रयत्न हुआ कि भारतीय भाषाओं के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं क्योंकि हर एक जो शिक्षाविद है या नीति निर्माता है वो आज़ादी के बाद और लगातार पचहत्तर वर्षों तक लगातार यही सोचते रहे कि किस प्रकार अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए काफ़ी प्रयत्न किए गए काफ़ी सफलताएं भी मिली लेकिन जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी सफलता नहीं मिली बहुत सारे कारण हैं उन कारणों पर बहुत ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है जरूरत इस बात की है कि हम अध्यापक क्या कर सकते हैं क्योंकि नई शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर दृढ़ता से विचार किया गया है गहनता से विचार किया गया है कि किस प्रकार से भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए शिक्षा नीति आए हुए लगभग दो साल हो गए हैं अब इसके कार्यान्वयन पर बात करनी जो साधारण तौर पर ये देखा जा सकता है कि अंग्रेजी भाषा एक समृद्धि की भाषा बन गई है सम्मान की भाषा बन गई है यानी जो अंग्रेजी पढ़ता है वो श्रेष्ठ है ये जो पूरी की पूरी मानसिकता है उस मानसिकता को बदलने का काम हम अध्यापक ही कर सकते हैं कैसे करें इसको हम कौन सी नीति अपनाएं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को हम अपने सामने रख सकें उनका हम कार्यान्वयन कर सकें क्योंकि अब वक्त कार्यान्वयन का है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हमने बहुत विचार विमर्श कर लिया अब उसे धरती पर उतारने का या अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है हम अगर अपनी भाषा में सोचते हैं अपनी भाषा में कार्य करते हैं अपनी भाषा में ही अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से एक स्वाभिमान आत्माभिमान का भाव तो पैदा ही होता है साथ ही साथ हम जो बात कहना चाहते हैं बात हम अपने विद्यार्थियों को बहुत ही सहजता से और बिना किसी भाषाई अवरोध के पहुंचा सकते हैं लेकिन जो एक माहौल बना उस माहौल में लगातार अंग्रेजी भाषा के प्रति एक लगाव बढ़ता चलता चला गया अब जब विद्यार्थी छोटा बच्चा स्कूल में जाता है विद्यालय में जाता है तो उसको सबसे पहले ए बी सी डी सिखाई जाती है का कहरा तो उसे याद ही नहीं होता जो गणित सिखाई जाती है वो भी अंग्रेजी माध्यम से केवल ऐसा करने से हम सब जानते हैं मनोवैज्ञानिकों ने भी ये कह रखा है बाल में मनोविज्ञान भी ये कर चुका है और हमारे विद्यार्थी भी और अध्यापक भी ये अनुभव करते हैं कि जितनी सहजता से जितनी कर्मठता से और जितनी सफलतापूर्वक हम अपनी बात अपनी भाषा में विद्यार्थियों तक पहुंचा सकते हैं उतनी सफलता से उतनी निपुणता से वह बात हम अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी के माध्यम से नहीं पहुंचा सकते जब हम कक्षा में होते हैं तो हम अंग्रेजी माध्यम से अगर अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो विद्यार्थियों को अंग्रेजी से तो जूझना ही पड़ता है और अध्यापक जो पढ़ा रहा है और वो उनके समझ में पूरा नहीं आता है क्योंकि उन्हें एक भाषा से संघर्ष करना पड़ता है यदि हमें अपने विद्यार्थियों को कुशल बनाना है कौशल विकास से जोड़ना है तो निश्चित रूप से हमें भारतीय भाषाओं को भी अपनाना होगा मातृभाषा को ही अपनाना होगा और हम सब जानते हैं कि मातृभाषा में अगर कोई बात बच्चों को सिखाई जाती है तो वो बहुत सफलतापूर्वक और गुणवत्तापूर्ण ढंग से उन बातों को वो सीख लेता है ये आंकड़े कहते हैं कि स्कूल तो बहुत हैं लगभग पंद्रह लाख स्कूल उससे भी ज़्यादा महा विद्यालय महाविद्यालय सारे भारत में फैले हैं लेकिन क्या कारण है कि स्कूल में नामांकन तो होता है लेकिन बारहवीं तक पहुंचते पहुंचते विद्यार्थियों के जो उत्तीर्ण होने की का जो प्रतिशत है वो पच्चीस प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होता इसके कारणों में अगर हम जाएं, तो भाषा इसका बहुत बड़ा कारण है। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाना जबकि बच्चे ठीक से अंग्रेजी माध्यम नहीं जान पाते मैं अधिकांश उन बच्चों की बात भी कर रहा हूँ जो अपनी मातृभाषा में सोचते हैं जो अपनी क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में सीखते हैं उनको उनके लिए सीखना बहुत आवश्यक हो जाता है भारतीय भाषाओं में अध्ययन अध्यापन करना बहुत सारे ऐस एस ऐसी विधियां हैं जिन विधियों के माध्यम से हम अपने विद्यार्थियों को मातृभाषा में पढ़ा सकते हैं कार्य हमें ही करना है आरंभ हमें ही करना है और ये जो आरंभ है वह हम अपनी कक्षा से कर सकते हैं हम अपनी कक्षाओं में विद्यार्थियों से जब को जब व्याख्यान देते हैं तो अगर हम वह व्याख्यान अपनी भाषा में दें तो मुझे लगता है कि हम एक आरंभ कर सकते हैं एक शुरुआत कर सकते हैं हिंदी बांग्ला उड़िया असमिया तमिल तेलुगु पंजाबी आदि जितनी भी भाषाएं हर एक क्षेत्र में इन भाषाओं में विद्यार्थी बहुत सारे विद्यार्थी इन्हीं भाषाओं में माध्यमिक विद्यालयों उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से उत्तीर्ण होकर अपने उच्च शिक्षा के लिए आते हैं बारहवीं के बाद अब उच्च शिक्षा के आने के बाद उन्हें अचानक ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं जहां उन्हें अंग्रेज़ी में पढ़ाया जा रहा है तो आप लोग भी ये महसूस करते होंगे कि कक्षा में जो विद्यार्थी है अगर अंग्रेज़ी के माध्यम से वो पढ़ रहा है या उसे पढ़ाया जा रहा है तो वो कितना सीख पाता है कितना नहीं सीख पाता है ये बात बिल्कुल ठीक है कि कई बार आपको ये महसूस होता है कि क्या अगर हम विद्यार्थियों को भारतीय भाषाओं में पढ़ाएं हिंदी में पढ़ाएं अन्य भाषाओं में पढ़ाएं तो क्या वो अपने मार्ग में ज़्यादा आगे जा, पा, जा पाएंगे क्या उन्हें पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की मिल सकेंगी क्या वो अपनी जिंदगी में वो ऊंचाइयां हासिल कर पाएंगे जो ऊंचाई अंग्रेज़ी पढ़ने वालों को मिलती है निश्चित रूप से केवल हमें अपनी इस मानसिकता से जूझते हुए इस दुविधा को दूर करना है कि अंग्रेजी माध्यम से अगर हम पढ़ाएंगे तो विद्यार्थी ज़्यादा प्रगति करेगा ज़्यादा उन्नति करेगा और यदि हम भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ाएंगे तो विद्यार्थी की उन्नति नहीं होगी वो विदेश नहीं जा पाएगा वो अंग्रेजी पढ़े लिखे विद्यार्थियों से पिछड़ जाएगा ऐसी बात नहीं हाँ ये बात ज़रूर है कि जो भारतीय भाषाओं के माध्यम से जो विद्यार्थी पढ़ाई करना चाहते हैं या जो अध्यापक भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं उनके मन में स्पष्ट होना चाहिए कि अध्यापन जो है वो शिक्षा जो है वो केवल ए, सूचनाओं का माध्यम नहीं केवल ज्ञान का अर्जन नहीं है बल्कि उसके माध्यम से एक कौशल विकास भी होना चाहिए नई शिक्षा नीति में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस कौशल विकास पर बहुत जोर दिया गया अब जब हम कौशल विकास सिखाते हैं किसी चीज का निर्माण करना सिखाते हैं तो आप ये विचार करें कि अंग्रेजी माध्यम से हम अपने विद्यार्थियों को ज्यादा सिखा सकते हैं या भारतीय भाषाओं के माध्यम से आज ही मैंने समाचार पत्र में एक समाचार पढ़ा जिसमें एक राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध होगी इसका क्या मतलब है इसका मतलब यही है कि जो पढ़ाई डॉक्टरों को करनी है वह पढ़ाई वह वैकल्पिक रूप से हिंदी माध्यम से भी कर सकता है अब इसके फायदे क्या क्या हैं देखिए केवल अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाला डॉक्टर अपने रोगियों से अपने पेशेंट से बहुत ही सहजता पूर्वक बात नहीं कर सकता है अगर किसी को अच्छा डॉक्टर बनना है तो और अच्छा इंजीनियर बनना है इंजीनियर को अपने मजदूरों से बात करनी हो और अधिकारियों को अपने मातहतों से बात करनी हो तो निश्चित रूप से अगर भारतीय भाषाओं का ज्ञान उन्हें होगा तो वो अपनी कार्य पद्धति में बेहतर ढंग से निष्पादन कर सकेंगे इसके लिए हमें क्या करना होगा हम हमें अध्यापकों को क्या करना होगा हम अध्यापकों को निश्चित रूप से ये करना होगा कि बराबर ये कोशिश करनी होगी ये प्रयास करना होगा कि हम भारतीय भाषाओं में ही विद्यार्थियों को पढ़ाएं कई बार इसमें दुविधा आ सकती है कई बार इसमें मुश्किल आ सकती है क्योंकि कुछ विद्यार्थी जो लगातार अंग्रेजी भाषा में पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आपकी कक्षा में आते हैं तो उनके साथ एक दिक्कत हो सकती है क्योंकि जितने भी शब्दावलियाँ हैं उन्होंने अंग्रेजी की सीखी हुई हैं जब हम हिंदी में या अन्य भारतीय भाषाओं में उनको पढ़ाएंगे तो उनको उन शब्दावलियों में दिक्कत परेशानी हो सकती है तो क्या करें हम तो आरंभ में हम ये कर सकते हैं कि हम अपने व्याख्यान को अंग्रेजी और हिंदी दोनों को सम्मिलित करते हुए पढ़ाएं ये एक आरंभ हो सकता है और इसका ये फायदा ये होगा कि जो अंग्रेजी माध्यम से भी पढ़ के जो विद्यार्थी आए हैं उनकी मातृभाषा तो हिंदी या भारतीय भाषाएं हैं तो उनको भी ये महसूस होने लगेगा कि इन भारतीय भाषाओं के माध्यम से अपनी अध्ययन सामग्री को समझना बहुत आसान है बहुत सुलभ है पचहत्तर की अंग्रेज़ी की असल में हमने प्रयास नहीं किया हमने प्रयत्न नहीं किया और यह मानकर हम चलते रहे कि अंग्रेजी भाषा श्रेष्ठ है अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही हम अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं सबसे पहले तो हम अध्यापकों को ही इस मानसिकता से बाहर आना होगा क्योंकि ये मानसिकता केवल एक व्यक्ति की मानसिकता नहीं है एक अध्यापक की मानसिकता नहीं है बल्कि एक सामाजिक मानसिकता है और एक अध्यापक के रूप में जब हम अपनी कक्षा में भारतीय भाषाओं के माध्यम से अध्ययन अध्यापन करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से जब वो विद्यार्थी यह महसूस करने लगेगा क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यार्थियों को ही यह महसूस करना है कि वह उसे जिस माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उस माध्यम में वह कितना ग्रहण कर लेता है अंग्रेजी भाषा के माध्यम से जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनमें समझना कम और रटना ज्यादा होता है नई शिक्षा नीति जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं में इस बात पर जोर दिया गया है कि रटंतु विद्या से हमें बाहर निकलना होगा और यदि रटंतु विद्या से हमें बाहर निकलना होगा तो बिना अंग्रेजी का को छोड़े हम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते हम अंग्रेजी पढ़कर अच्छे कार्यकर्ता बन सकते हैं अच्छे नौकरी करने वाले बन सकते हैं लेकिन हम आविष्कारक नहीं बन सकते अपने चारों तरफ देखिए चाहे वो जापान हो चाहे वो कोरिया हो चाहे जर्मनी हो थोड़ा दूर चले जाइए तो सब अपनी भाषा में काम करते हैं ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि अंग्रेजी एक विश्व भाषा है अंग्रेजी विश्व भाषा नहीं है अंग्रेजी इंग्लैंड में ग्रेट ब्रिटेन में और जहाँ पर अंग्रेजों का शासन था वहीं अधिकतर शिक्षा का माध्यम और इसका जो दुष्परिणाम हुआ वह दुष्परिणाम ये हुआ कि हम लोग केवल पिछलग्गू बन गए हम लोग विश्वगुरु नहीं बन सके जो विश्वगुरु की संकल्पना है उस विश्वगुरु की संकल्पना भाषा से आरंभ होती है यदि हम अपनी भाषा में भारतीय भाषाओं में अध्याप अध्ययन अध्यापन करते हैं तो निश्चित रूप से विश्वगुरु बनने की जो संकल्पना है उस संकल्पना को हम बहुत ही मजबूती प्रदान कर सकते हैं और हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं तो अगर एक और पद्धति होती है पढ़ाने की वाद विवाद संवाद हम अपने विद्यार्थियों को के लिए परामर्श सत्र भी आयोजित कर सकते हैं जिसको हम लोग ट्यूटोरियल कहते हैं जिसमें विद्यार्थी और अध्यापक के बीच में छोटे छोटे ग्रुप्स में जो संवाद होता है वह तो हम भारतीय भाषाओं में कर ही सकते हैं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं और आप देखेंगे कि आपकी आपके लेक्चर में आपके व्याख्यान में जो बच्चे एक निष्क्रिय या पैसिव श्रोता के रूप में उपस्थित होते हैं क्योंकि आप अंग्रेज़ी में पढ़ा रहे होते हैं जब आप उनको आप संवाद और आप आपसी संप्रेषण के लिए छोटे छोटे ग्रुप्स में छोटे छोटे समूह में जब आप पढ़ाएंगे उनके प्रश्नों का निराकरण करेंगे और उनके 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 मन में जो विषय को लेकर जो शंकाएं हैं उसका निराकरण करेंगे तो निश्चित रूप से संवाद बढ़ेगा हम अध्यापकों के लिए ज़रूरी है कि यदि हमें इस शिक्षा नीति को पूर्णतः सफल करना है और उसको धरातल पर लेकर आना है उसको असली अमली जामा पहनाना है उसको व्यावहारिक बनाना है तो ये बिना भारतीय भाषाओं के अपनाए हुए नहीं हो सकता है। अगर हम अंग्रेजी माध्यम से ही अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते रहे तो ये शिक्षा नीति को हम पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं कर सकते क्योंकि जब हम अध्ययन अध्यापन करते हैं तो अपनी संस्कृति की बात करते हैं अपनी परंपरा की बात करते हैं अपनी भाषा की बात करते हैं तो ये ये चीज़ें अगर हम अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते पूरे पूरा का पूरा यूरोप अपनी भाषा बोलता है और आप ये देखिए कि पश्चिमी देशों में जो आविष्कार हुए वो उन्हीं देशों में आविष्कार हुए जिन देशों में लोग अपनी भाषा में बोलते हैं अपनी भाषा में सक्रियता आती है अपनी भाषा में यदि व्यक्ति सोचना शुरू करता है तो उसमें एक सृजनात्मकता आती है तो ये जो सृजनात्मकता है इसी सृजनात्मकता से हम नई राहों का अन्वेषण करते हैं अन्वेषण कभी भी दूसरी भाषाओं में नहीं हो सकता है हाँ ये जरूर है कि हम अनुसंधान करने जब चलें तो वहाँ ये महसूस हो कि जिस क्षेत्र में हम अनुसंधान कर रहे हैं उस विषय में अपने मेरी जो मातृभाषा है मेरी जो राज्य की भाषा है उसमें अनुसंधान के क्षेत्र में तो कुछ उपलब्ध नहीं है लेकिन उपलब्ध है आपको मैं बताऊं कि जो बड़े बड़े अनुसंधान होते हैं नोबेल प्राइज होते हैं उसमें केस स्टडी के रूप में भारत को उदाहरण के रूप में बनाया जाता है और जो जिसको हम लोग फील्ड वर्क कहते हैं या क्षेत्रों में जाकर जो हमारे विद्यार्थी डाटा जो इकट्ठा करते हैं वो उनको अपनी ही भाषा में करना होता है। तो ये एक भ्रांति है एक गलत समझ का नतीजा है कि हम अनुसंधान केवल अंग्रेजी भाषा में कर सकते हैं और आप जानते हैं कि गांधी जी ने इस पर बहुत जोर दिया बुनियादी तालीम की बात की गई और जब उन्होंने बात की बुनियादी तालीम की तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल पाठ्य पुस्तकें और किताबों में जो ज्ञान सीमित है वही शिक्षा नहीं है बल्कि जो क्षेत्र में जाकर काम करना है व्यावहारिक जो काम करना है उसमें शिक्षा कौशल और रोजगार तीनों चीज महत्वपूर्ण है शिक्षा का मतलब है मनुष्य का सर्वांगीण विकास केवल पाठ्य पुस्तकें पढ़ने से मनुष्य का विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता और सबसे बड़ी बात कि अपनी संस्कृति को जाने हुए बिना जाने हुए अपनी संस्कृति को बिना पहुंचाने हुए हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। हम क्यों पीछे रह गए हम पीछे इसलिए रह गए कि हमने अपनी संस्कार अपनी संस्कृति अपनी परंपरा से हम कट गए और जिस भूमि पर हम काम कर रहे हैं उस भूमि की भाषा को भूल गए अब कोई डॉक्टर बनता है कोई वकील बनता है कोई अन्वेषक बनता है सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर अपनी भाषा का इस्तेमाल करना होता है मैंने मैं बहुत सारे देशों का मैंने भ्रमण किया और वहाँ देखा कि अंग्रेजी में कोई बात नहीं कर रहा है। मैं पूरी यूरोप और पश्चिमी यूरोप के बहुत से देशों में गया वहाँ देखा कि लोग अपनी भाषाएँ बात करते मैं अंग्रेज़ी में बात करने की बात करता हूँ और उससे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता और मैं ये देखता हूं कि कई भाषाओं का एक साथ अर्जन करने की जो इच्छा है वो विद्यार्थियों में होती है हम भी अपने विद्यार्थियों में यह विचार डालें उनको यह प्रेरणा दें कि वो अपनी भाषा के अलावा अंग्रेजी भी सीख सकते हैं वो अपनी भाषा के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं को भी पढ़ सकते हैं इसके अलावा एक जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष इस शिक्षा नीति में आया है वह संस्कृत का ज्ञान संस्कृत की पढ़ाई और संस्कृत को समझना हमारे पूरे पूरी पाठ्यचर्या में संस्कृत को एक महत्वपूर्ण स्थान देना ज़रूरी है और हम हमें सर्व शिक्षा में विश्वास करना चाहिए हमें ऐसा विकास सर्वांगीण विकास हम विद्यार्थियों का चाहते हैं कि वो न केवल अपने क्षेत्र में बल्कि दूसरे विविध क्षेत्रों में भी विविध विषयों में भी पारंगत हो सके जिसको हम मल्टी डिस्ट्रिप्नरी इंटर स्किल ओरिएंटेड ये सब बातें करते हैं तो उसमें यदि हम अपनी भाषा का इस्तेमाल करें तो अच्छा कौशल सीख सकेगा दूसरे विषयों के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकेगा आज ये समय आ गया है कि हम शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की ओर अग्रसर हों भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाएं और स्कूलों में कॉलेजों में विश्वविद्यालयों में अध्ययन अध्यापन के साथ साथ अनुसंधान की भाषा भी भारतीय भाषाओं को बनाए देखिए अंग्रेजी माध्यम होने के कारण विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त बौद्धिक दबाव पड़ता है और उनकी जो सृजन क्षमता है वह सृजन क्षमता कमजोर होती है इसलिए वो कुछ बौद्धिक दृष्टि से बहुत दूर तक आगे नहीं बढ़ पाते विद्यार्थियों को रटंतु तोता नहीं बनाना है स्पष्ट रूप से इस शिक्षा नीति में यह बात कही गई अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में एक सक्षम वार्तालाप तभी हो सकता है जब वह अपनी भाषा में बात करें भारतीय भाषाओं में बात करें हिंदी प्रदेश का व्यक्ति अगर अपने विद्यार्थी से अपने अध्यापक से हिंदी में बात करता है तो बड़ी सहजता होती है जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुलझाने में बहुत मदद मिलती है और एक जो संकल्प है हमारा कि आरंभ हम भारतीय भाषाओं से करें उलटना होगा पूरी प्रक्रिया को कि हम आरंभ करना चाहते हैं अंग्रेजी से बाद में घेलुए में भारतीय भाषाएं मिल जाएं तो सही नहीं इसका विपर्य चाहिए इसका उलट चाहिए अब कि हम आरंभ करें अपनी भाषा में हमारा जो ज्ञान है हमारे विद्यार्थियों का जो ज्ञान है वह ज्ञान मजबूत हो और एक परिपक्वता आने के बाद वह अंग्रेजी भाषा भी पढ़े लेकिन एक भाषा के रूप में पढ़े न कि एक माध्यम के रूप में उसका उपयोग माध्यम के रूप में हम भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल करें और भाषा के रूप में हम अंग्रेजी पढ़ें तो हम देखेंगे कि हमारे विद्यार्थी ज्ञान में भी बौद्धिक क्षमता में भी मजबूत होंगे और वो एक अलग भाषा अंग्रेजी भी सीख सकेंगे मैं ये नहीं कहता हूँ कि विद्यार्थियों के लिए आज अंग्रेजी सीखना आवश्यक नहीं है हम जिस माहौल में रह रहे हैं हम जिस परिप्रेक्ष्य में जिस संदर्भ में हम रह रहे हैं उसका संदर्भ अंग्रेजी मानसिकता के दबाव में है हमको उस दबाव को हटाना है और यदि हमने अपनी कक्षाओं में वह दबाव हटा लिया तो बहुत बड़ी सफलता हमको मिलेगी और यह जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी यदि हम इस दबाव से मुक्त हो गए गांधी जी हमेशा ये कहा करते थे कि सच्चा शिक्षक विद्यार्थी को अपने विषय के भीतर ले जाता है उसमें रस पैदा करता है और उसे उस विषय को अपने आप समझने के लायक बनाता है तो यह तभी होगा यह उद्देश्य तभी होगा जब हम विद्यार्थियों के साथ भारतीय भाषाओं में ही संपर्क करें आज बहुत सारे स्रोत सूचनाओं के हमारे पास उपस्थित हो रहे हैं गूगल है सोशल मीडिया है लेकिन क्या यही सूचना हमारे विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त है बिल्कुल नहीं हमारे विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त है तभी होगा जब उनका संपूर्ण विकास हो सके और यह संपूर्ण विकास बिना अपनी भाषा को अपनाए हुए नहीं कर सकते तो मित्रों मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा। कि आप प्रयत्न करें इस अंग्रेजी के तिलस्म को तोड़ना बहुत जरूरी और इस तिलस्म को तोड़ने की कुंजी हम अध्यापकों के अलावा और किसी के पास नहीं हम आरंभ करें अपनी भाषाओं में अलग अलग प्रदेश की अलग अलग भाषाओं में हम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू करें वाद विवाद संवाद अब अप... अपने विद्यार्थियों के साथ करें केवल अपने विद्यार्थियों के साथ संपर्क कक्षा के अंदर नहीं रखें बल्कि कक्षा के बाहर भी हम अपने विद्यार्थियों से संपर्क करें और भारतीय भाषाओं में उनसे बात करें हम उनसे कन्नड़ में बात करें हम उनसे तमिल में बात करें हम उनसे मलयालम में बात करें जहाँ जो भाषा उपलब्ध है और अधिक से अधिक विद्यार्थी वहां पहुंचते हैं एक निश्चित रूप से दुविधा और समस्या का विषय है जहाँ पर अलग अलग प्रदेशों के विद्यार्थी आते हैं उन विद्यार्थियों के लिए क्या किया जाए निश्चित रूप से जहाँ अलग अलग प्रदेशों से जो विद्यार्थी आ रहे हैं उन विद्यार्थियों को भी एक अवसर दिया जाना चाहिए कि अंग्रेजी के अलावा वो अपनी भाषाओं में भी अपने को अभिव्यक्त कर सकें और इसके लिए आरंभ में अगर कक्षा में भी दो भाषीय का इस्तेमाल हो सके या टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उनकी भाषाओं को पकड़ सकें तो आप देखेंगे कि विद्यार्थी की अभिव्यक्ति क्षमता अंग्रेज़ी के तुलना में कितनी ज़्यादा है मैं ये नहीं कहता कि एक आ एक, एक दिन में तुरंत कोई बदलाव आ जाएगा इसीलिए मैं सैद्धांतिक बातें नहीं कर रहा हूं व्यवहारिक बातें कर रहा हूं क्योंकि अब व्यवहार में जो कुछ कहा गया है शिक्षा नीति में उसको व्यवहार में लाने का समय है किसी भी सिद्धांत को व्यवहार में तभी लाया जा सकता है जब उसका हम प्रयोग करें हमें प्रयोग करना ज़रूरी है और प्रयोग करेंगे तभी ये पता चलेगा कि उसमें कितने कितनी अड़चने हैं हमारे विद्यार्थियों को किन किन बातों का असर हो रहा है या हम कैसे उसमें लगातार प्रयोग और परीक्षण करते रहें कि हम एक नई विधि निकालें भाषाओं के लिए और ये विधि यही है कि हम प्रोत्साहित करें अपने विद्यार्थियों को ज्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीखने के लिए मल्टीलिंगुअल बनाना है अपने विद्यार्थियों को और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है विद्यार्थी अपना विषय पढ़ें दूसरी भाषाएं भी सीखें अंग्रेजी भी सीखें लेकिन जो आधारभूत ज्ञान है वो ज्ञान अपनी भाषा में हासिल करें हमें एक नागरिक के रूप में और एक अध्यापक के रूप में अपने को बदलना पड़ेगा सबसे पहले अध्यापक बदलेगा अध्यापक की मानसिकता बदलेगी तभी तो हम अपने विद्यार्थियों की मानसिकता को भी बदल सकेंगे सबसे मुश्किल बात यही है अपने आप को बदलना मैं आप लोगों से ये अनुरोध करता हूं कि आप देखें अपना आत्मावलोकन करें कि किस प्रकार भारतीय भाषाओं को हम आगे प्रोत्साहित कर सकते हैं उन्हें माध्यम के रूप में विकसित कर सकते हैं आप अपनी भाषा में पढ़ाएंगे तो वही पाठ्य पुस्तक होगी आप जो कक्षा में जो व्याख्यान देंगे वो विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो बहुत सारी बातें उसको पाठ्य पुस्तकों में नहीं मिलेंगी एक ये भी किया जा सकता है कि आरंभ में हम केवल उन्हें व्याख्यान नहीं दें व्याख्यान की प्रविधि बदल दें हम या तो अगर अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं तो जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दें वो हिंदी में दें या हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो अंग्रेजी में दें ऐसे ही दूसरी दूसरी जगहों पर भी जहाँ हिंदी जहाँ मातृभाषा नहीं है वहाँ भी हम कर सकते हैं अंग्रेजी में पढ़ाएं, तो कन्नड़ में उसको रूपांतरित करें कन्नड़ में पढ़ाएं, तो उसको अंग्रेजी में रूपांतरित करें हमारे पास टेक्नोलॉजी है हम उन टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने भाषा को आसानी से रूपांतरित कर सकते हैं एक साथ कक्षा में स्मार्ट क्लासेस की बात की जाती है हम स्मार्ट क्लासेस का उपयोग करें और उसमें एक साथ द्विभाषी बनकर अपने विद्यार्थियों को पढ़ाएं हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा पाठ्य पुस्तकें भी बनेंगी पढ़ने और पढ़ाने वाले भी बनेंगे अध्यापक में यह विश्वास पैदा होना चाहिए कि हम अपनी मातृभाषा में पढ़ाकर विद्यार्थियों को एक सर्वांगीण व्यक्ति बना सकते हैं अच्छा बौद्धिक व्यक्ति बना सकते हैं एक अनुसंधान करने के लिए एक उर्वर मस्तिष्क पैदा कर सकते हैं, तो ये यही मैं आपके साथ साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं यह मैं कि हमें प्रयत्न करना होगा प्रयास करना होगा और नई शिक्षा नीति को यदि कोई सही ढंग से कार्यान्वित कर सकता है तो वो है अध्यापक अध्यापक की इसमें बड़ी भूमिका है और इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे अंदर से अंतः प्रेरणा निकले कि हमें अपनी भाषा में पढ़ाना है भारतीय भाषाओं में पढ़ाना है तो निश्चित रूप से हम एक नई दिशा खोल सकते हैं अपने राष्ट्र के लिए हमारा राष्ट्र भाषा की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो हमारे विद्यार्थियों के मन में हमारे मन में भाषा के प्रति एक आश्वस्ति पैदा हो तो निश्चित रूप से यदि हम पांच वर्ष भी लगातार ये ऐसा कर लेते हैं तो पांच वर्ष के बाद ये दुविधाएं हमारे मन से हट जाएंगी और मेरा पूरा विश्वास है कि भारतीय भाषाओं के माध्यम से अपनी मातृभाषा के माध्यम से विद्यार्थी ज़्यादा सशक्त सशक्तता से अपनी बात कह सकेंगे एक अच्छे बुद्धिजीवी बन सकेंगे और इस देश को इस राष्ट्र को सभी क्षेत्रों में आगे ले सा, ले जा सकेंगे और विश्वगुरु की संकल्पना को एक व्यावहारिक धरातल पर ला सकेंगे तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस दिशा में प्रयत्न करेंगे प्रयास करेंगे और अपनी भाषा में भारतीय भाषाओं में पढ़ाना शुरू करेंगे अध्ययन अध्यापन शुरू करेंगे आप आरंभ कीजिए शुरुआत कीजिए हमें सफलता ज़रूर मिलेगी तो आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आपने मेरी बात को धैर्यपूर्वक सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद